भोपाल में दो दिवसीय बियॉन्ड लीडरशिप समिट का आयोजन किया गया, जहां विभिन्न क्षेत्रों के प्रख्यात विशेषज्ञों ने कॉलेज के छात्रों को लीडरशिप क्वालिटी और अलग अलग फील्ड की जानकारी दी। लीडरशिप समिट के दूसरे दिन डिजियाना मीडिया ग्रुप के ग्रुप चैनल हेड और डायरेक्टर नवीन पुरोहित ने भी शिरकत की, जहां उन्होंने कॉलेज छात्रों का मार्गदर्शन करते हुए लीडरशिप एवं चैनल के संचालन और वर्तमान मीडिया के परिदृश्य के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला। भोपाल में तकनीक के क्षेत्र के तमाम महारथी पहुंचे और छात्रों का मार्गदर्शन किया। मौका था बियॉन्ड लीडरशिप समिट का। समिट में तकनीक के क्षेत्र में काम करने वाली दुनिया भर की बड़ी कंपनियों और ग्रुप्स के लीडर्स छात्रों से मुखातिब हुए और छात्रों को अलग अलग फील्ड की जानकारी दी गई। समिट के दूसरे दिन हिंदी न्यूज सैटेलाइट चैनल्स के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाने वाले डिजियाना मीडिया ग्रुप के चैनल हेड और डायरेक्टर नवीन पुरोहित भी शामिल हुए और छात्रों को लीडरशिप के टिप्स दिए। जो लोग हमारे यहाँ ट्रेनिंग करने आते हैं वो जर्नलिज्म की ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं और तमाम सारे फील्ड्स में आते हैं, तो हम पाते हैं कि जो उन्हें पढ़ाया जा रहा है, जो हमारा सिलेबस है और जो हमारी कॉर्पोरेट्स की नीड है, उसमें इतना बड़ा मिसमैच है कि आप जब पढ़ के निकलते हैं तो आपको एक अलग दुनिया ही दिखाई देती है। तो वो लोग जो कॉलेज टाइम में जो है जिनके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटी होती है, दे सीक सम डिफरेंट वे एट ओन प्लेटफॉर्म, वो खुद से ही एक डेवलपमेंट। आर ओ सी इसका एक अच्छा उदाहरण है कि वो ओरिएंटल कॉलेज से भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, लेकिन एक इंजीनियरिंग करने वाला स्टूडेंट इतने सारे टीनेजर्स को, यंगस्टर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ सकता है, ये अपने आप में अद्भुत है। डिजियाना मीडिया ग्रुप के ग्रुप चैनल हेड और डायरेक्टर नवीन पुरोहित ने छात्रों को बताया कि वर्तमान दौर में एजुकेशन और जॉब में व्यवहारिक गैप बहुत ज्यादा है, जिसे खत्म करने की बेहद जरूरत है। साथ ही उन्होंने वर्तमान मीडिया के स्वरूप पर चिंता व्यक्त करते हुए छात्रों को ये भी बताया कि कैसे छात्र विपरीत परिस्थिति को भी एक सुनहरे मौके में बदल सकते हैं। उन्होंने छात्रों के अच्छे करियर के लिए उन्हें मोटिवेट भी किया। क्या है कि भाषा सिर्फ संप्रेषण का माध्यम, आप जब बोलते हैं तो आपकी बात लोगों तक पहुंचे अच्छी तरह से, सिर्फ भाषा इसलिए समझ में आती। आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल है जहां भाषा थी ही नहीं, चार्ली चैपलिन आप सबको याद हो, जहां संवाद ही नहीं था, सिर्फ उन्होंने म्यूट करके सिर्फ म्यूजिक पे और एक म्यूट एक्टिंग से पूरे विश्व में अपने आप को एस्टेब्लिश किया। तो जब आप अपने आप को कम्युनिकेट करते हैं, आपकी बात कितने अच्छे तरीके से लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं, मैं समझता हूं कि यही तो लीडरशिप है। इस दो दिवसीय लीडरशिप समिट में शहर के कई इंजीनियर और साइंस कॉलेज के साथ ही कॉलेज के छात्रों ने भी हिस्सा लिया था। छात्रों को तकनीक के क्षेत्र में सुनहरा भविष्य बनाने में मार्गदर्शन करने के मकसद से ये आयोजन किया गया। सबसे खास बात ये थी कि यहाँ पे 3 मल्टीनेशनल्स अडोबे, माइक्रोसॉफ्ट और लिंक्डइन ने आके अपने अपने सेशंस लिए और इन तीनों से सर्टिफाइड थी। तो हर डेलीगेट जो हमारे आए हैं, हर 250 जितने 250 डेलीगेट्स हैं, एक एक को इन तीनों कंपनीज की तरफ से सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। उससे हटके इनको यू नो कॉर्पोरेट स्किल्स सिखाने के लिए हमने हर डेलीगेट के लिए खुद विजिटिंग कार्ड्स बनवाए और अलग अलग एक्टिविटीज़ करी ताकि ये लोग लीडरशिप सीख पाए। बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, जैसे कि एक दूसरे से घुलना मिलना, एक दूसरे के साथ कैसे हमें दोस्ती बढ़ानी चाहिए और इन सारी बड़ी कंपनीज के लिए सिर्फ सक्सेसफुल ज़रूरी नहीं है और पैसे ही सिर्फ सक्सेसफुल के लिए ज़रूरी नहीं, आपकी स्किल्स जो आपके अंदर है वो भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस तरह के सेमिनार से छात्र मशहूर हस्तियों से सीधे मुखातिब होते हैं और उनके संघर्ष और सफलता के बारे में जानते हैं और प्रेरणा लेकर अपना भविष्य भी बनाते हैं। जरूरत इस बात की है कि ऐसे सेमिनार ज्यादा से ज्यादा आयोजित किए जाएं ताकि स्टूडेंट्स को सटीक मार्गदर्शन मिल सके। DNN डेस्क रिपोर्ट।